विगत 1 फरवरी को सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद साउद्दीन के करीबी मोहम्मद यूसुफ की हत्या सिवान नगर थाना से मात्र 500 गज की दूरी पर दक्षिण टोला मोहल्ले में गोली मारकर कर दी गई थी। हत्या के बाद यूसुफ के परिवार वालों ने 6 लोगों को नामजद किया था। इन 6 लोगों में पहला नाम मोहम्मद कैफुर बंटी, दूसरा नाम स्टार मियाँ, तीसरा नाम रौनक मियाँ, चौथा नाम इस्माइल मियाँ, पांचवा नाम मकबूल मियाँ और छठा नाम संदीप गौर का था। ऐसा परिवार वालों का मानना है कि इन्हीं सभी लोगों ने मिलकर साजिश के तहत मोहम्मद यूसुफ की हत्या की है। हत्या के बाद पुलिस एक्शन में आई और सभी 6 अभियुक्तों के घर छापेमारी की थी, जिसमें इस्माइल मियाँ के घर से एक बंदूक भी बरामद हुआ था। अब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोर्ट के आदेश पर इन सभी अभियुक्तों के घर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपका दिया है। अगर ये सभी जल्द से जल्द सिलेंडर नहीं करते हैं तो उनके घर में कुर्की जब्ती की जाएगी। वहीं मोहम्मद कैफ की मां ने कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है, उसे फंसाया गया है और बेटा जल्द ही सरेंडर करेगा। मोहम्मद यूसुफ के हत्याकांड में हम लोग आज इश्तेहार चुका है। आज सफाई पेश कर रहा है लोग, दोस्तों ने मार डाला। आप एसपी साहब से मिलने हैं क्या, उनसे मिल पाई हैं? नहीं मिल पाए हैं। आपको क्या लग रहा है कि यूसुफ के, आपको क्या लग रहा है यूसुफ की हत्या क्यों हुई है, आपको क्या लग रहा है? हमको तो यही लग रहा है कि यूसुफ नशे में था और दोस्तों जो भी उनके साथ थे वो भी नशे में थे, लोग आपस में छीना छोड़ी में उनको लग गया। कौन कौन लोग साथ में थे ये आपसे जानना चाहेंगे? अब ये हम नहीं बता सकते क्योंकि हम देखे नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं? हमको सुनने में आया है बस। तो नशे में था ये कैसे पता है आपको? नशे में मोहल्ले वाले कुछ कहे हैं लोग कि नशे में सब दोस्त लोग। तो अब आप क्या चाहती हैं सिवान की पुलिस से? पुलिस से हम ये चाहती हैं कि पुलिस हम लोग को परेशान करने के बजाय पहले अच्छे से जाँच करे, जांच करने के बाद ही कोई डिसीजन ले। आपके बेटे पे आपके बेटे पे वारंट जारी हो गया है, अगर वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो फिर कुर्की जब्ती भी कर लीजिएगा। आपको पता है हम सरेंडर करेंगे, अब जब केस में नाम आ गया तो सरेंडर होगा, बेल होगा। कब तक सरेंडर करेंगे मोहम्मद कैफ? जब हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, तरसों हो जाए, करेंगे। जब केस में ना गया तो इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है, यानी कि गलत केस में फंसाया जाए। गलत राजदेव वाले हाल इस बार भी हो गया हमारे लड़के के साथ।